यूपी के बुलंदशहर के सलमानी समाज के लोग बेहद मुफलसी और गरीबी के हालात का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 3.5 महीने से इस समाज का जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जिस तरह लगातार सरकार ने हरेक गरीब तबके के लोगों को और व्यापारियों की मदद करते हुए सभी बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया, वैसे ही सलमानी समाज भी सरकार और प्रशासन से मदद की उम्मीद रखता है, गुहार लगा रहा है। इनको सरकार की गाइडलाइंस देते हुए सैलून खोलने की अनुमति दी जाए। बुलंदशहर में तकरीबन 5,000 से 10,000 सलमानी समाज के लोग हैं जिनका कारोबार सैलून से जुड़ा हुआ है या उनका खुद का सैलून है, वो आज परेशान हैं। बुलंदशहर के सलमानी समाज के साथ हम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से अनलॉक 5 में सरकार द्वारा सभी व्यापारियों को छूट दी गई है, लगभग धीरे धीरे सभी जो मार्केट है वो खुल चुकी है, धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है। सलमानी समाज किस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं इन लोगों का जो सलून से पूरी तरह से बंद है। बातचीत करेंगे समझेंगे। क्या नाम है? रिजवान अहमद। रिजवान जी, कितने महीने से बंद है? 3 से 4 महीने करीब होने वाले। कहाँ पर है आपका सलून? मेरा सलून चौराहे पर है, मोदी के नाम से है। और हम लोग कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिला प्रशासन को कही भी है, वहाँ पर उन लोगों ने कई बार आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात रखते हैं, भी उनसे आपके सामने बात करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है, क्यों नहीं खुल पा रहे हैं, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ जितने भी मेट्रो शहर हैं, यहाँ तक कि आगरे में भी अभी 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी, वहाँ पर भी खुल गए हैं, तो वजह समझ में नहीं आ रही। तो आपने बात करने की कोशिश करी, क्या वजह है सर, क्यों नहीं खुलने दे रहा है, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? नहीं, वो लोग यही कहते हैं कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, बस इससे ही हो जाता है, ये हो जाता है। तो अभी एक बात और भी है कि जैसे 10 से 15 दिन नोएडा का हो गए हैं, तो वहाँ पे कभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि सैलून से हो रहा है या वो हो रहा। तो जब तो आप क्या कहेंगे, यदि आपको छूट दे दी जाए तो आप पूरी प्रॉपर पीपी किट वगैरह और जितने भी गाइडलाइन से फॉलो करके खोलेंगे? हाँ, हमने तो सारा सामान पहले ऑलरेडी भी ला के रख रखा है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन निशान खान के साथ समीर लिया, 19 उत्तर प्रदेश।